हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज हमने दवाई चूज़ की है आपको बताने के लिए, उसका नाम है आंवला। जी, आंवला। आंवला एक फल है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो दवाइयों के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा होता है। आंवले का जो बॉटनिकल नाम है उसको एम्बलिका ऑफिशियलिस कहते हैं, और इसका फल जो है वो एक मेडिसिनल बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और अलग अलग तरीक़ों से इस फल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो कंपाउंड्स हैं, यानी कि जो दवाइयाँ इससे बनाई जाती हैं, यूनानी की कुछ दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आयुर्वेदा में भी इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो यूनानी में जो इसकी दवाइयाँ या इसके जो कंपाउंड्स हैं उसमें जवारिश शाही बहुत मशहूर है, जवारिश आंवला, रोगन आंवला और सफूफ हाजिम। सफूफ कहते हैं पाउडर को और हाजिम मीन्स डाइजेशन, तो डाइजेशन करने वाला पाउडर। ये बड़ी मशहूर दवाइयाँ हैं जो आंवला से बनती हैं। आंवले का मुरब्बा बहुत मशहूर एक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, इंडिकेशन क्या है इसके, हम कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा हमें क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। रात को आप हल्के से आंवला को कूट के पानी में से भिगो के रख दें और सुबह उसको छान लें और उस पानी को थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहें, आपकी प्यास की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा जो इसका इंडिकेशन है, सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये बालों को मजबूत करता है। तो बालों को मजबूती के लिए कैसे क्या करेंगे हम, इसके लिए आप जो आंवला है उसको कूट लेंगे, पीस लेंगे और उसको बालों की जड़ों में हफ्ते में एक बार कम से कम लगाइए। और उसके अलावा जो रोगन आंवला है उसको आप रोज़ाना डेली रूटीन में आप बालों की जड़ों में इस्तेमाल करें, तो इससे आपके बाल मजबूत होंगे और गिरने से भी बचेंगे। जो तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इसका होता है, ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। और इन दिनों में कोविड के टाइम में तो आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। तो आंवला एक ऐसा फल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, नेचुरल विटामिन सी होता है, और इससे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। अगर आप रेगुलर आंवला खाते हैं, आंवले का मुरब्बा खाते हैं, किसी भी फॉर्म में आप आंवले को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इसका पायरिया में, यानी कि स्कर्वी कुछ लोगों को अगर हो जाता है तो उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा गया, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। दोस्तों, इसके बाद ये जो यूज़ होता है ब्रेन टॉनिक के तौर पे भी यूज़ होता है, ये ब्रेन को ताकत देता है। तो जो आंवले का मुरब्बा है वो ब्रेन टॉनिक के तौर पे काम करता है, और अगर साथ में आप सर में आंवले का तेल भी डालते हैं तो ये और ज़्यादा मजबूती देता है। ये कार्डियक टॉनिक भी है। जो जवारिश शाही है उसको पल्पिटेशन की या घबराहट की एक ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ किया जाता है यूनानी में। बड़ी अच्छी स्वादिष्ट दवाई होती है, सुबह शाम एक एक चम्मच रेगुलर खाई जा सकती है, लेकिन डायबिटिक लोग ना खाएं जवारिश, क्योंकि वह मीठा होता है। वो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या साबुत आंवले का फल खा सकते हैं। इसके बाद जो इसका अगला इस्तेमाल है वो ये ब्लड प्योरीफायर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। गैस्ट्राइटिस में और डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जवारिश आंवला और सफूफ हाजिम दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं गैस्ट्राइटिस में, और जहाँ पर इनडाइजेशन होता है वहाँ पर। और ये विज़न को भी इम्प्रूव करता है, अगर आप लगातार आंवला खाते हैं तो इससे विज़न भी सुधरता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम की रहेगी, आप आंवले से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, या आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।